नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। जून 2020 एक ऐसा महीना जिसमें प्रभु की कृपा आपकी राशि के ऊपर बरसने वाली है, आपके बिगड़े काम बनने वाले हैं। आपको ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की अनुकंपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से ऐसे 5 संकेत मिलेंगे जो ग्रहों के द्वारा बनाए गए हैं, और यह संकेत आपके जीवन में एक नई तरक्की, एक नई उपलब्धि और एक नया सवेरा लेकर आ सकते हैं। वक्त कैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, कभी नहीं रुकता है, वक्त चलता रहता है। और इस चलते वक्त में यदि हमें अपने लिए कुछ 5 ऐसे अवसर दिखाई पड़ते हैं या 5 से ज़्यादा ऐसे अवसर दिखाई पड़ते हैं जो हमें परेशानियों से, दिक्कतों से मुक्त करा सकते हैं, तो उसमें हमें ईश्वर का संकेत समझना चाहिए, ईश्वर का आशीर्वाद समझना चाहिए। क्योंकि मुसीबत में इंसान तो इंसान के काम बहुत कम आता है, लेकिन भगवान जरूर आते हैं। तो जानते हैं वृषभ राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में जून 2020 के महीने में ईश्वर की कृपा से कौन से वो 5 संकेत मिल रहे हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति और सामाजिक स्थिति और मानसिक स्थिति को अनुकूल कर देंगे, जिससे आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सके। वृषभ राशि, सफलता के लिए यह 5 अद्भुत संकेत आपका स्वागत कर रहे हैं। अब आपका काम है इन संकेतों का लाभ उठाना। यह जानकारी चंद्र राशि, लग्न राशि पर आधारित होगी। अगर आप महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, तो यह वीडियो आपके काम का है। आप नाम राशि से भी इसको देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, गोचर कुंडली आपके समक्ष है। यही गोचर कुंडली तय करती है कि कौन कौन से संयोग बनते हैं, महीना कैसे बीतेगा, भगवान का आशीर्वाद कहाँ किन ग्रहों के अंदर छुपा हुआ है। तो 2 नंबर की कुंडली है। सूर्य और शुक्र जो बैठे हुए हैं लग्न में बैठे हुए हैं, बुध जो है राहु के साथ द्वितीय भाव में, धन भाव में बैठे हैं। चंद्रमा जो है अपनी यात्रा जून की आपके पंचम भाव से शुरू करेंगे, जो भी बहुत ही बढ़िया है। केतु अष्टम भाव में है, शनि और गुरु जो है आपके भाग्य स्थान में है, मंगल जो है आपके दशम स्थान में है। तो ये थी गोचर की स्थिति। अब इसमें ये ग्रह आगे पीछे होकर अपने दूसरे मित्रों के साथ संयोग बनाते हैं जो कि संकेत का रूप होते हैं। तो पहला महाशुभ संकेत आपको प्राप्त हो रहा है शुक्र की कृपा से। शुक्र आपकी राशि के स्वामी भी हैं। शुक्र मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। जब 25 जून को शुक्र मार्गी हो जाएंगे तो अगले 5 दिनों में आपको बहुत बहुत शानदार फल मिलेंगे, लेकिन 1 से 25 तक भी आपके लिए शानदार फलों की वर्षा हो रही है। तो बहुत ही बढ़िया है, मालव्य योग का निर्माण हो रहा है। पंच महापुरुष योग में से एक मालव्य योग होता है जो शुभ है, सुंदर है, अच्छा फलदायी होता है। आपको सौंदर्य या ब्यूटी के क्षेत्र में सफलता मिलने के योग है। जो भी इससे जुड़े, किसी भी काम से जुड़े हुए, महिलाओं से संबंधित कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, पानी, दूध, आइसक्रीम पार्लर, इन सब चीज़ों का कोई भी बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए बढ़िया है। आपका व्यापार, नौकरी में तरक्की होने वाली, टीवी मीडिया से जो भी लोग जुड़े हैं उनकी सफलता बहुत चरम स्तर पर होगी। जो भी लोग एयरलाइन से जुड़े हैं, एयर होस्टेस हैं या अन्य किसी उससे जुड़े हुए हैं एयरलाइन के कामों से, उनके लिए भी सफलता बहुत बड़ी होगी। वैवाहिक जीवन का आनंद होगा, आप घबराएं नहीं, आपका भाग्य उदय होने वाला है। मालव्य योग आपको माला माल कर देगा, शुक्र की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, तो शुक्र कहीं से भी आपके जीवन में कोई कमी होने नहीं देंगे। कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो शुक्र उसको संभाल लेंगे और आपको खुश कर देंगे। तो इसको संकेत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, जब शुक्र आपके ऊपर मेहरबान हो रहे हैं। बात करते हैं दूसरे महाशुभ संकेत की। बुध और राहु की कृपा से प्राप्त होगा। धन भाव में बुध और राहु का होना यह दर्शाता है कि आपकी कमाई बढ़ने वाली है। कमाई बढ़ेगी तो कर्जे उतरेंगे, कर्जे उतरेंगे अगर किसी के ऊपर हैं तो, और जब कमाई बढ़ेगी तो बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, आपकी बचत भी होगी, आप इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे और खुश भी रहेंगे, और अपने मन मुताबिक कुछ काम भी कर पाएंगे जो आपने रोके हुए थे, हाथ खुल जाएगा। अच्छी तरीके से आप मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, पैसा बनाने के लिए शेयर मार्केट से भी लाभ कमाया जा सकता है। किसी भी प्रकार से ग्रह सितारे जो ये संकेत दे रहे हैं उसमें आपको हानि नहीं होने वाली है, पैसा बरसने वाला है। आपकी जुबान बहुत मीठी होगी, आप इतना जान लें आप धनी नहीं होंगे, आप अत्यधिक धनी होंगे। शेयर मार्केट सट्टेबाजी में रातों रात अमीर बनने का एक अवसर है, लेकिन समझदारी दिखाएगा। आप कम पढ़े लिखे हों, आपको कम काम आता हो, आप कम मेहनत करें, फिर भी आपको यहाँ पर धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, धन दौलत मिलेगी। यानी कि अब वक्त ही ऐसा है कि आपको मिलना ही मिलना है। अब देखिए, अब आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं
जहां ऊपर से नोट बरस रहे हो, आसमान से नोट बरस रहे हो, आप उनको पकड़े या ना पकड़े, नोटों की उनको खींचे या ना खींचे अपनी तरफ, लेकिन कुछ ना कुछ नोट बिना प्रयास किए कोई आपके हाथ पे गिर जाएगा, कोई आपके सर के ऊपर गिर जाएगा, अपने आप गिर जाएगा। यानी आप प्रयास करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं फिर भी अमीर बनेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा जब ऐसा मौका ऐसा संकेत मिला है तो प्रयास कर लेने चाहिए। आप अत्यधिक धनी होंगे, अत्यधिक बुद्धिमान होंगे, 18 जून से पहले आप अपनी किस्मत को जरूर आजमाएं, बाद में भी आजमाएं, लेकिन 18 जून से पहले आपके लिए वो सब कुछ बना हुआ है जो आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं मालामाल हो जाएंगे। आपको तीसरा महाशुभ संकेत प्राप्त होगा 18 जून के बाद, जब बुध वक्री होकर शुक्र के साथ होंगे और शानदार फल देंगे। शुक्र मालव योग बना के बैठे हुए हैं और बुध जब साथ में हो जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। अब जिंदगी में शायद ही ऐसा वक्त कभी आपके आया हो कि आपको ऐसे शुभ फलों का मौका मिल रहा हो, भगवान का आशीर्वाद डबल ट्रिपल मिल रहा है आपको, आपकी सफलता शोहरत तय है आपको किसी भी हाल में। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि ईश्वर का आपको ऐसा वरदान मिल गया है कि आप अमर हो गए हैं, और जो इंसान अमर हो जाए उसको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। तो इस महीने में ये कहूँगा कि सफलता आपको मिलनी तय है, शत्रु परेशानी संकट आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपको आशीर्वाद है ईश्वर का कि आपको ये सब चीज़ें छू भी नहीं पाएंगी, और छुआ भी तो नुकसान उन्हीं का होगा आपका नहीं होगा। दौलत शौहरत मिलेगी, व्यापार नौकरी पार्टनरशिप वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध शिक्षा सभी में सब कुछ बढ़िया रहेगा। भगवान ऐसे दिन किस्मत से देता है, और मैं तो ये कहूँगा कि सभी राशि वालों को, समस्त संसार वालों को ऐसे दिन दिखाए कि उनकी ज़िंदगी में ऐसी बहार आए जब इतने बढ़िया शुभ संकेत मिल रहे हों, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हो और जगत के पालनहार नारायण का साथ हो। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, किस्मत का शुक्रिया अदा करिए, ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए, माता पिता का शुक्रिया अदा करिए और लग जाइए पैसा कमाने में, मेहनत करिए शोहरत कमाने में, जो भी आपकी इच्छा है उस काम में, इस काम में लग जाइए। कि मान लीजिए आपने कोई सपने देखे थे, उस काम को पूरा करना है, प्रोजेक्ट बनाइए, योजनाएँ बनाइए, जिसका जो काम है वो करिए, हर काम में आपको सफलता मिलेगी बशर्ते आप उस काम के लायक हों। अब आपको साइकिल चलानी ना आती हो और आप बोलें कि मैं 5 दिन में या 10 दिन में हवाई जहाज चलाना सीख जाऊं, तो ये तो संभव नहीं होगा। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि आप अपनी बुद्धिमत्ता से किसी ऐसे स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जहाँ पर हवाई जहाज उड़ाना सिखाया जाता हो। तो इस तरीके की बात को सोच समझ के करिएगा। तो कई लोग ये भी सोच लेते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे हो जाएगा, तो कुछ भी का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ मिल जाएगा। कुछ भी का मतलब ये होता है जिस लायक आप हैं वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। बात करते हैं चौथे महाशुभ संकेत की, जो आपको प्राप्त होगा मंगल की कृपा से। मंगल 18 जून को अपने मित्र की राशि यानी मीन राशि में चले जाएंगे, गुरु से बड़ी अच्छी दोस्ती, एकादश भाव में बैठेंगे। जिनको भी हाथ का काम करते हैं, जैसे कोई कताई बुनाई, हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग, मूर्ति बनाना या हाथ से संबंधी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हैंड वर्क में आते हैं, उन लोगों की वाह वाह होने वाली है। वैसे ही मेक इन इंडिया चल रहा है इस वक्त, तो आपके काम बहुत बढ़िया चलेंगे, बहुत बहुत बढ़िया चलेंगे। जो भी वैसे तो सारे काम हाथ से होते हैं, लेकिन खासकर जिसमें मशीनरी का प्रयोग नहीं होता है या कम से कम होता है, तो आपके काम बहुत बढ़िया चलने वाले हैं। आपके लिए वक्त आ गया है, आर्थिक समृद्धि होगी। जो भी लोग मशीनरी वाला काम करते हैं उनके लिए भी समय बढ़िया है, जैसे कोई फैक्ट्री हो गई जहाँ पर सारा काम मशीन से होता है। अब आप इस बात को इस तरीके से समझ लीजिए, जिनका काम पूरा 100% मशीन पर निर्भर है उनके लिए भी वाह वाह वाह, और जिनका काम पूरी तरीके से मशीन पर निर्भर नहीं है उनके लिए भी बहुत बढ़िया वक्त है। तो आप जो भी काम इस तरीके का करते हैं धन लाभ होने वाला है। क्रोध और गलत रास्ते को नहीं अपनाएं, तो यह गोचर काल, मंगल का यह गोचर आपको अत्यधिक धनवान और समृद्ध बना देगा, जिससे आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। और एक बात और भी बता दें, और इस समय अंतराल में कोई भी आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता है, कोई भी आपका 1 रुपया नहीं मार सकता है। अगर कहीं पैसा वैसा फंसा हुआ तो मांग के देखिएगा, मिल जाएगा। लोग आपके काम की सम्मान करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। जिनका सम्मान, जिनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी, किसी ने उनके ऊपर झूठे आरोप या लांछन लगा दिए थे, अब वो लोग भी ऊपर उभरते हुए नजर आएंगे। मान सम्मान गौरव के साथ और धनी होकर आप इस वक्त को बिताने वाले हैं। मेक इन इंडिया से जुड़े जितने भी लोग हैं उनका दिन बहुत बढ़िया होने वाला है। मंगल आपको गरीबी से दूर कर देंगे। बात करते हैं पांचवें महाशुभ संकेत की। मंगल और चंद्रमा की युति 11 तारीख दोपहर से शुरू होगी और 12 और 13 तारीख दोपहर 2:15 तक रहेगी। तो यहाँ पर
महाभाग योग लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाएगा। माला माल योग भी कहते हैं, अलग अलग नाम है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो आप ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली इन तारीखों में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, खोया हुआ पद प्रतिष्ठा वापस आएगी, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। लगभग लगभग 2.5 दिन का जो आपको समय मिल रहा है इस समय अंतराल में, वो काम जो असंभव से भी असंभव थे वो भी संभव हो जाएंगे। यानी कि इस समय अंतराल में आप अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ये ऐसा समय है जब सफलता के ऊपर सफलता मिलने वाली है, तो बहुत ही शानदार रहेगा और पराक्रम रहेगा, शौर्य रहेगा, बुद्धि रहेगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। महालक्ष्मी की कृपा से आपको धन की तो कमी होगी नहीं, आरोग्यता भी मिलेगी, अच्छी सेहत भी मिलेगी, परिवार में सुख शांति भी मिलेगी, रिश्ते भी अच्छे होंगे। कुल मिलाकर यह वक्त है अब आगे बढ़ने का। यह 5 संकेत आपके जीवन में मिठास घोल देंगे, ये 5 संकेत आपके जीवन में खुशियां बटोर देंगे, ये 5 संकेत आपको हर प्रकार से खुश कर देंगे। यदि आपका विश्वास ईश्वर के ऊपर है और अपनी मेहनत के ऊपर है, आप एक गहरी लंबी सांस लीजिए और ये तय कर लीजिए कि इन 5 संकेतों का मुझे लाभ उठाना है। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी मुश्किल काम आप के सामने मुश्किल नहीं रहेगा। करके देखिए, एक बार विश्वास करके देखिए, सब कुछ बढ़िया होगा। दिक्कत यही होती है कि हमारा मन बहुत जल्दी डामाडोल हो जाता है, हम विश्वास नहीं करते, हम सोचते हैं और कुछ अच्छा सरल देख लें और कहीं कुछ और मिल जाएगा, इसी चक्कर में वक्त बीत जाता है। किसी एक जगह पर टिक के देखिए, फिर देखिए आपको कैसे लाभ मिलता है। जीवन में कोई समस्या कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और अपने जीवन से कष्टों को दूर करिए। कष्ट दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है। पहला कदम आप उठाएंगे, दूसरा कदम हम उठाएंगे आपकी कुंडली को देखकर, तीसरा कदम ईश्वर उठाएगा आपके कष्टों को मिटाकर। अब आप ही पहला कदम नहीं उठाएंगे तो हमारे और ईश्वर के कदम वहीं पर रुक जाएंगे। तो फोन मिलाइए और जानिए अपने भविष्य के बारे में और जो भी समस्याएं हैं उनसे मुक्ति पाइए। हरिओम, नमस्कार।